हेलो एवरीवन वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास नाइन्थ एंड टेंथ यूट्यूब चैनल मेरा नाम है रुबैना तलवार और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ठीक है जिनकी वेटेज एग्जाम में थ्री मार्क्स की आती है Fine. तो चलिए अब हम हम करते हैं और ये हम ये करते हैं और और को। को तक जरूर देखिएगा कह सकते कि हमारे last minute, जब से पहले हो तो आप फटाफट देख सकते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस को अप कर सकते हैं तो आइए चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है वाई टी गार्डन अब क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाई वाज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन राजवीर एक्साइटेड क्यों था टी गार्डन्स को देखकर क्वेश्चन समझ में आ रहा है चलिए देखते हैं आगे और व्हाई मेड राजवीर अमेज्ड ऑन द वे क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि व्हाई वाज राजवीर अब ये कौन सा है टी फ्रॉम असम का क्वेश्चन है ठीक है पहली बुक से ये है व्हाई वाज राजवीर एक्साइटेड अब राजवीर यहाँ पर क्यों एक्साइटेड था जब उसने टी गार्डन को देखा था? What made राजवीर amazed on अब ऐसी क्या चीज में हुई कि जिसके से राजवीर बहुत ही अमेज हो गया था बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था चलिए देख लेते हैं ठीक है राजवीर फाउंड दू आउटसाइड में साथ बता रही हूँ राजवीर फाउंड दू आउटसाइड द And eye with a lot of greenery. अब राजवीर ने क्या किया बाहर एक साइड देखा और फिर उसके बाद उसने बहुत दूर दूर तक ना बहुत ज्यादा ग्रीनरी देखी तो यहाँ पर की वर्ड ग्रीनरी को जरूर मार करिएगा क्योंकि जो ग्रीनरी है वो एक्चुअली क्या रेफर कर रही है

ध्यान से देखिए यहाँ पर लिख रखा है कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था उसे ऐसा लग रहा था कि दूर दूर तक जैसे हर, हरा रंग की जो सी है वो डिवाइडेड है ठीक है वो बहुत ज्यादा फैली हुई है तो अल्टीमेटली स्प्रोलिंग टी गार्डन ये हमारा पहला कीवर्ड हो गया स्प्रेडिंग लाइक ट्री ग्रीन सी ये भी हमारा सेकेंड की हो गया और वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी किस पर डिटेक्टिव से बेस्ड अगर हम ये कहें कि ये सारी चीजें उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी ठीक है क्वेश्चन क्लियर हो गया अगला क्वेश्चन अब देखिए क्वेश्चन थ्रो सम लाइट ऑन दास्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ दुर्ग अब कुर्ग में से ये पूछा गया थ्रो सम लाइट ऑन दास्ट बायो डाइवर्सिटी ऑफ कुर्ग अल्टीमेटली यहां पर क्या पूछ रखा है कि क्या ऐसा कुर्ग का था

इट्स रिवर कावेरी अबाउंड इन महासि अलाज फ्रेश वॉटर फिश होती है जो और जो स्पाइस है और जो कॉफी है प्लांटेशन की वो फर्दर एड करती है उसकी वाच बायोडाइवर्सिटी को तो अल्टीमेटली बायोडाइवर्सिटी क्या है जो प्लांट्स है जो पौधे हैं जो नेचर है तो यहाँ पर नेचुरल एस्पेक्ट को यहाँ पर मेंशन किया गया है तो आप आंसर क्या बोलोगे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना कुर्ग का वहां पर बहुत वास्ट ट्रेजर्स है वास्ट ट्रेजर्स किसका है फ्लोरा और फोरा का है अब उनमें जानवर कौन कौन से आए स्क्ल लंगूर किंग फिशर एलिफेंट ये सारे हो सकते हैं और फ्रेश वाटर सी ये जरूर लिखिएगा फ्रेश वाटर फिश वहां पर पाई जाती है कावेरी रिवर में दैट इज महावीर ठीक है जी क्लियर हो गया यहाँ तक चलिए जी अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्वेश्चन आ जाता है द पीपल ऑफ कुर्ग हैव अ ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी अब क्वेश्चन क्या आया जो लोग हैं कुर्ग के उनके अंदर एक ट्रेडिशन है करेज और ब्रेवरी का हाउ हैज इट बीन रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न इंडिया तो हम यहाँ पर कहेंगे इसे हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं मॉडर्न इंडिया में फाइन तो देखो दीपल ऑफ कुर्ग है ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी हाउ हेज इट बीन रिकॉग्नाइज इन मॉडर्न इंडिया और इसे हम कैसे रिकॉगनाइज कर सकते हैं मॉडर्न इंडिया में दैट इज द द मोस्ट इंपॉर्टेंट चलिए देख लेते हैं पीपल ऑफ कुर्ग अब जो लोग हैं कुर्ग के आर नोन फॉर देयर हाई एनर्जी उन्हें जाना जाता है कि उनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है वो बहुत ज्यादा करेजियस हैं साथ ही साथ एडवेंचरस स्पोर्ट जो होते हैं जैसे कि कैनोइंग होगी रैपलिंग हो गया रॉक क्लाइंबिंग हो गई माउंटेन बाइकिंग होगी उससे बहुत ज्यादा

पसंद था ठीक है जैसे कि कैनोइंग हो गया रैपलिंग हो गया रॉक क्लाइंबिंग हो गया माउंटेन बाइकिंग हो गया ट्रैकिंग हो गई एक्सेट्रा अब देखो जो कुर्ग रेजिमेंट थी इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजामेंट इन इंडियन में अब हम ये कह सकते हैं जो कुर्ग का हम ये बोले जो लोग है दे आर वेरी मच

चीफ चीफ ऑफ इंडियन आर्मी वो भी कुर्ग से बिलोंग करते हैं और जो इंडिया में सिर्फ वही लोग हैं भाई जिन्हें जिन्हें फायर आर्म्स मतलब कि पिस्टल्स हम ये कह सकते हैं लेकर वो जा सकते हैं बिना किसी लाइसेंस लाइसेंस के के भाई पे के बाद नहीं मिलेगी क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो लोगों को भरोसा ही नहीं किसी को भी भरोसा नहीं लेकिन कुर्ग के लोगों को अभी तक, तक गवर्नमेंट पे इतना भरोसा रखती है कि वो गलत नहीं कहेंगे चलिए आगे चले एवरीवन चलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना देखिए बिना डिस्टर्ब हम ये ये के आपको ये वीडियो मिल रही है है ठीक जैसी अगर आपने पूरे शॉर्ट आंसर्स कर लिए ठीक है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है और साथ ही साथ आपका अगला सजेशन क्या है जो लाइव आएगा ठीक है तो बताना जरूर ओके okay, आगे चलते हैं व्हाई हैज कुर्ग बीन इन रेफर टू एज द पीस ऑफ हेवन ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन

वर्ड है वो आउट ऑफ वो कैब यूज नहीं कर रखा है जो चैप्टर में नहीं दे रखी है ठीक है जो दे भी रखे वो दीदी हेल्पिंग वर्ड्स राइट तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है आपको वो वर्ड्स को लिखना है जो चैप्टर में ऑलरेडी दिए हुए हैं ठीक है कुर्क इज ऑफन रेफर टू ए स्मॉल पीस ऑफ हेवन क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी क्यों पहली बात हमारी नेचुरल ब्यूटी नेचुरल ब्यूटी में चैप्टर में क्या क्या लिखा हुआ था लिखा हुआ था एवरग्रीन फॉरेस्ट रोलिंग हिल्स कॉफी प्लांटेशन स्पाइस रोलिंग्रीज द फ्रेशनेस ऑफ द नेचुरल सराउंडिंग इज फर्दर बाय द दरोमा ऑफ कॉफी अब हम ये बोलेंगे जो फ्रेशनेस है नेचुरल सराउंडिंग की वो फर्दर एनहस करती है बाय द अरोमा ऑफ कॉफी तो ये सारी चीजें आपको ठीक है चेके? तो हम यहाँ पर ये ये बोलेंगे रोलिंग हिल्स रोलिंग हिल्स का मतलब not off, आ, मतलब हम ज़्यादा की नहीं होती है। Clear हो गया? देखिए पहली बात आपको वही वो क्या आप लिखना है, बार बार मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि चैप्टर रीड करिए और जो की जो चैप्टर में है उसी को उठाकर आपको सेंटेंस बनाना है और इसी में आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे चलिए आगे चलते हैं what is the story about kodavu people's greek dissent अब देखिए अब देखो यहां पर क्या करना है what is the story अब ये जो स्टोरी अबाउट कोदावू पीपल ग्रीक डिसेंट का कहानी क्या है मतलब पीछे इसके क्या है कि कोदावू ग्रीक डिसेंट क्या मतलब मतलब इसके पीछे की कहानी मुझे बता दो तीन नंबर में सीबीएसई आराम से पूछ सकता है ठीक है देखो पार्ट ऑफ एग्जेंडर आर्मी क्योंकि जो पार्ट ऑफ एग्जेंडर आर्मी है मूव साउथ क्योंकि वो साउथ में चली गई थी एंड फाइनली सेटल देयर और वो वहां जाकर फाइनली सेटल्ड हो गई थी वेन रिटर्निंग जब आ, हम ये कह सकते हैं कि वापिस जाना हो हो गया था सी बात गई थी ठीक है क्टिकबल तो आप यह कह सकते इम्पॉसिबल या इम्प्रैक्टिकल टू गो बैक ओके okay? तो दीज पीपल मैरिड अमंग्स लोकल तो ये जो लोग हैं जो वहां बस गए थे तो वो अपने लोकल में लोगों में ही शादी करते हैं और बाहर के लोगों से शादी नहीं करते हैं ठीक है तो ये जो है थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है है। है, है वेरी करना करना ही बहुत ठीक जो लोग हैं कुर्ग के उन्हें डिसेंडेंट ऑफ अरब्स क्यों कहा जाता है ओके पीपल ऑफ कुर्ग आर ऑल्सो नोन एट डिसेंडेंट ऑफ अरब पीपल क्योंकि जो उनका लॉन्ग अब यहाँ पर ना आप उनकी ड्रेसिंग सेंस से बोलोगे ड्रेसिंग ठीक है कैसे कैसे वो कपड़े पहनते थे अब ये जो ड्रेसिंग सेंस है ना यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि चलो भाई मान लिया कि जो उनके पुश्तैनी लोग थे या उनके पूर्वज थे अल्टीमेटली वो ये कहेंगे कि वो अरब को बिलोंग करते थे ठीक है अब देखो द पीपल ऑफ कुरक आर आल्सो नोन ए द डिसेंडेंट ऑफ अरब्स पीपल क्योंकि ऑफ द लॉन्ग बैक कोट क्योंकि वो लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते थे वन बाय देम विद द विद्रॉयडेड वेस्ट बैंड अल्टीमेटली आप बोलोगे क्या था कीवर्ड हो गया ब्लैक कोट अब ब्लैक कोट कैसे लगता था ये भी चैप्टर में लिखा हुआ है एम्ब्रॉइडेड वेस्ट बैंड तो ये आपके कीवर्ड हो गए हो गए या नहीं हुए तो बस यही लिखना है उसके बाद दिस इज़ कॉल्ड अब इसी को हम क्या कहते है? कूपिया, worn by the और ये कुफिया कौन पहनते है? ये अरब पहनते हैं अरब बनते हैं ये कुर्द लोग पहनते हैं ठीक है तो यहां तक आपको ये चीज क्लियर हो गई चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन र्ग सिचुएटेड वाइप ऑफ प्लेस इट इज अब देखो यहाँ पर कहा जो है वो कुर्ग सिचुएटेड है क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है वट टाइप ऑफ प्लेस इट इज और कैसी प्लेस है वो ठीक है कैसी जगह है वो चलो देखते हैं तो कुर्ग इज सिचुएटेड बिटवीन माइसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर इट इज वेरी beautiful प्लेस ये बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह है और अपियर और ऐसे अपियर होती है जैसे कि भाई भाई सुनो ना सुनाओ ना मैम जैसे कि वो क्या बेटा जैसे कि वो बोलो ना यहाँ पर ये बोलेंगे हम कि ये बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह है और ये अपियर होती है जैसे कि एक स्वर्ग का टुकड़ा धरती पर आया है किंगडम ऑफ गॉड मतलब अ पीस ऑफ हेवन ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड तो यह पूरी लाइन ना अगर आप देखोगे चैप्टर में लिखी हुई है सारी की सारी चैप्टर में लिखी हुई है ठीक है कोई और लाइन नहीं बनाई है मैंने यहाँ पर तो कुर्ग इज सिचुएटेड बिटवीन माइसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ द मैंगलोर और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह है साथ ही साथ अपियर होती है द पीस ऑफ हेवन एज इट इज ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड चलिए अगला क्वेश्चन वाई इज कुर्ग कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि कुर्ग को क्यों कहा जाता था लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स मतलब उनकी जो हाइट थी वो कम थी ठीक है क्यों रोलिंग हिल्स बोला जाता है चलो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट है ठीक है कुर्ग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स बिकॉज द सिटी इज सिचुएटेड ऑन द जेंटल स्लोपिंग हिल्स जेंटल स्लोपिंग हिल्स मतलब विद लो हाइट जो स्लोप करे धीरे धीरे ठीक है तो वहां पर ये सिटी सिचुएटेड है फाइन तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कुर्ग इज सिचुएटेड

ठीक है क्लियर हो गया यहां तक चले आगे चलिए जी अगला क्वेश्चन आ गया बेकिंग वॉज कंसिडर अब ध्यान से देखिएगा बेकिंग वॉज कंसिडर एन असेंशियल एंड प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ट्रेडिशनल गोन कल्चर ठीक है वट रीजन द राइटर गिव इन सपोर्ट ऑफ दिस पॉइंट अब ध्यान से देखिएगा देखिए गोवा अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है देखिए बेकिंग वाज कंसीडर बेकिंग को माना जाता है माना जाता था कि बहुत ही असेंशियल और प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था ट्रेडिशन गोन विलेज में तो क्या रीजन था यहाँ पर राइटर का तो, क्या रीजन था द राइटर गिव जो राइटर ने दिया सपोर्ट टू पॉइंट अब ये जो क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन आपका सिक्स मार्क्स में पूछा जा सकता है अगर फुल लिखना है लेकिन यही क्वेश्चन आपका मार्क्स मार्क्स में भी पूछा जा सकता है तो तक का मैं बताऊंगी अभी आप देखना और सिक्स मार्क्स का तो ओवरऑल पूरा है सो दैट इज वाई मैंने इसको शॉर्ट आंसर में भी लिया है ठीक है शॉर्ट आंसर में क्यों लिया है जो छह नंबर का क्वेश्चन तीन नंबर में पूछा जा सकता है ठीक है इसको तीन नंबर का बताती हूँ देखो कैसे

तो के एक्स एंड बॉलिंग अब अल्टीमेटली आपको तीन नंबर में कैसा पूछा जाएगा मैं तो सीधा रीड कर रही हूँ बेकिंग कंसीडर क्यों माना जाता था बेकिंग कंसीडर क्यों माना जाता था कि वो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल और प्रॉफिटेबल बिजनेस है देखिए यहाँ पर आपको थ्री मार्क्स में खाली क्या लिखने हैं मैरिज गिफ्ट्स और मैरिज गिफ्ट क्योंकि जो बेक जो हम ये कहें बेकर के प्रोडक्ट मैरिज में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे तो मैरिज गिफ्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते थे होते लिखेंगे इंपॉर्टेंस इन मैरिज ठीक है और उसके बाद थर्ड इन डेली रूटीन ये तीन ये तीन पॉइंट लिखोगे तो आपका थ्री मार्क्स का बन जाएगा और नंबर के लिए ये पूरा है जल्दी जल्दी रीड करिए जल्दी जल्दी रीड करिए चलिए आगे चले तो देखो गोवा इज वेरी मच इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पर क्या लिख रखा है कि गोवा बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है पोर्चुगीज से और बेकिंग को माना जाता है एक कंसीडरेबल और एक असेंशियल प्रॉफिटेबल प्रोफेशन वो भी किसके लिए ट्रेडिशनल गोन विलेज के लिए जो पोर्चुगीज हैं वो फेमस हैं

ठीक है थ्री मार्क्स में आप ये इंपॉर्टेंट जाएगा तो आप केक्स और क्रिसमस में बनाए जाते हैं अदर फेस्टिवल पे बनाए जाते हैं ये सारे के सारे छह नंबर के क्वेश्चन में आ जाएंगे लेकिन अभी हम वीडियो स्पेशली किस लिए कर रहे हैं थ्री मार्क्स पे कर रहे हैं ठीक है सिक्स मार्क्स की वीडियो मैंने आप

तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है चलिए आगे चले टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपेयरेंस इट इजील कंपेयर टू अ बेकर वाई एक्सप्लेन देखिए ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया में तीन पार्ट हैं। ठीक है थ्री पार्ट्स है तो थ्री पार्ट्स है ना बेटा तो थ्री पार्ट्स का हम ये मानेंगे ये थ्री चैप्टर्स है अल्टीमेटली लेकिन हां इसमें ऑप्शनल भी आ सकता है और इसमें छ नंबर का एक अलग आ सकता है तीन नंबर का अलग आ सकता है इसलिए इस चैप्टर को जरूर करना ठीक है ठीके? तो चले आगे फटाफट से रीड करो इसको क... तो आपने रिकॉर्ड कर ओके आपने रीड कर लिया है तो चलिए बेटा फटाफट फट से देखते हैं अगर अगर आज भी any person with a jackfruit, कोई भी कोई व्यक्ति अगर जैसा physical appearance होता है, तो उसे easily compare कर सकते हैं हम तो आपको explain करना है ठीक है तो ब्रेड मेकिंग हम ये कह सकते हैं प्रोस्पेरस बिजनेस था गोवा में जो फिजिक ऑफ दैट इज प्लम एंड राउंड बॉडी ये एक टच मनी है उसको लेकर तो देअर फॉर एनी जो फैट है और साथ ही साथ प्लम्ब जैसे हो सकता है मतलब मोटा तो उसे जैक रूट के साथ कंपेयर किया गया है फाइन अगला क्वेश्चन आ जाता है इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोन लाइफ हाउ डू यू नो दिस क्या ब्रेड एक इम्पोर्टेंट है आ, उनके लाइफ में हाँ तो बताओ कैसे ठीक है ओके चले येस yes, ब्रेड एक इंपॉर्टेंट पार्ट है गो विलेज के लिए दिस वी कैन डेफिनेटली से ये तो हम बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि ब्रेड इज नॉट ओनली पार्ट ऑफ देयर डेली लाइफ बट हम ये कह सकते हैं ऑल्सो इंपॉर्टेंट ओकेजन जैसे कि क्रिसमस हो गया जैसे कि हमने कहा फेस्टिवल्स हो गया वेडिंग एंगेजमेंट्स हो गई तो ये जो ओकेशन है वो इनकम्प्लीट है बिना उनके स्पेशल प्रिपरेशन के मतलब कि इनकम्प्लीट है हम कहा कह रहे हैं विदाउट अ स्पेशल प्रिपरेशन फॉर ईच इवेंट मेड फ्रॉम ब्रेड ठीक है तो ये जो बेकर वाला है ये आपका थोड़ा सा होमवर्क हो गया कि भाई मैंने बहुत ज्यादा ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में करा दिए तो चलिए अब हम थोड़ा एन फ्रैंक पे भी चलते हैं अब आप थ्री नंबर के क्वेश्चन में इतने बड़े बड़े आंसर लिखोगे नहीं तो दो जो हैं आप ये मान लीजिए कि आपका होमवर्क हो गया ठीक है ये दो स्लाइड्स आपकी होमवर्क होगी स्लाइड्स आपको पिन मिल जाएंगी डोंट वरी फाइन ये आपको मिल जाएंगे ये मैं आपको पक्का वादा कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि question number four आपको ना एक्सप्लेन करना पड़ेगा अब ये बोलोगे बोलोगे चलो मैं ये वाला एक्सप्लेन करती हूँ वॉट डेड दी आर वेन ऑथर वॉज यंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्री मार्क्स में हंड्रेड एंड वन परसेंट पूछा जा सकता है ठीक है तो जो बेकर्स हैं पोर्चुगीज डेज में वॉज अ पेर ड्रेस कॉल्ड कबाई, उन्हें कबाई बोला जाता है लॉन्ग सिंगल पीस ऑफ फ्रॉक रीचिंग डाउन टू दीज ठीक है तो वो क्या करते थे जो बेकर थे पोर्चुगीज में ठीक है अभी हम ये कह सकते हैं वो पेकुलर ड्रेस पहनते थे जिसको कबाई बोला जाता था और ड्यूरिंग द इयर्स वेन द ऑथर वॉज यंग देर अर्ट एंड अ ट्राउजर दैट यूज टू बी लॉन्गर देन हाफ पैंट्स और शॉर्टर देन फुल पैंट्स ठीक है तो वो एक तरह का हम ये कह सकते हैं हाफ पेंट से बड़ा शॉर्ट पेंट से ऊपर और हाफ पेंट से थोड़ा नीचे ठीक है तो ये सारी चीजें आपको देखनी ही देखनी है ओके okay, तो चलिए अब हम देखते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रेंस से क्वेश्चन ठीक है ये तो थ्री मार्क्स का हो गया लेकिन ये जो क्वेश्चन है अगर आप सिक्स मार्क्स में देखेंगे मैंने कराया है लेकिन सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन थ्री मार्क्स में कैसे पूछा जा सकता है मैम एक बात बताओ आप ये तो कह रहे हो कि थ्री नंबर में पूछा जाएगा ठीक है लेकिन मुझे ये बात बताओ कि क्या सेम क्वेश्चन सिक्स मार्क्स में भी पूछा जा सकता है क्या सेम क्वेश्चन थ्री मार्क्स में भी पूछा जा सकता है हाँ तो वहां पर वर्ड लिमिट होती है हाँ इसमें क्या दिक्कत है तो वर्ड लिमिट इंपॉर्टेंट है बिल्कुल जरूरी ही जरूरी है अब इसमें से कीवर्ड निकालेंगे थ्री मार्क्स का क्वेश्चन को बनाने के लिए देखो, देखो, ये 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 में आएगा, तो आपको ये पूरा लिखना है। लेकिन मैं आज आपको बता रही हूँ उन क्वेश्चंस को डील करना जब आप उसमें लॉन्ग आंसर बना देते हो, होता शॉर्ट है थ्री मार्क्स में कितना लिख दोगे? अगर इतना लिख दिया ना टीचर ने नंबर काट देने आपके ठीक है तो हा वाई डिड क्यू जो एन फ्रेंक है उसे लगता है कि वो डायरी पर ज्यादा भरोसा कर सकती है उसमें सबसे पहले आपको लिखना है पेशेंस है ये वाला लाइन कोट करना है पेशेंस हैज सॉरी पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल ठीक है ये बता देना पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल ये वाला बोल देना पेशेंस हैज मोर पेशेंस देन पीपल अरे ये तो टंग ट्विस्टर हो गया पेपर हैज मोर तो पेशेंस देन पीपल ये आप अपनी लाइन बना सकते हैं देखिए अगर पूरी लाइन आपको याद नहीं है एन फ्रैंक से तो अगर आपने उसको कोट कर दिया और ये कहा कि एन सेट बाय एन तो यार गलत हो जाएगा अगर आपने एक भी प्रेपोजिशन भी मिस कर दिया तो आप ये लाइन को कोट करेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक वी सॉ दैट एन सेड

उसे 13th birthday पे थी ये नहीं लिखना है Six marks में पूरा लिखोगे थ्री मार्क्स में आपको केवल और केवल एक लाइन बोलनी है और आप ये कहोगे उसे ये लगता है कि जो पेपर है उसके पास ज्यादा पेशेंस है और साथ ही साथ शी सो इंट्रोवर्ट सो यहां पर वो भरोसा नहीं करती है ठीक है लोगों पर इसलिए चलो हम सिक्स मार्क्स वाला पढ़ लेते हैं तो एट ऑल मार्क्स में लिखना है? नहीं लिखना नहीं सब कुछ छ नंबर वाले में लिखना है हाँ लिख दो ठीक है बट देन शी राइटिंग बिकॉज शी हैड टू टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग ऑफ हर चेस्ट तो उसे लोनली फील होता है

ए, ए, एक रियल फ्रेंड किटी डायरी में मिली तो उसे ये लगा कि जो ट्रुथ है लाइंग द फैक्ट दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल तो इस वजह से उसने क्या करा उसने सोचा कि वो ज्यादा कन्फाइड कर सकती है डायरी पे कहां से लिखना है यहां से लिखना है इसको अलग पेन से कर दू

कर सकती है छह नंबर में पूरा लिखना है तीन नंबर में सिर्फ चार लाइनों से ज्यादा मत लिखना ठीक है ओके आगे देखते हैं मैं आपको यहां पर छह नंबर का एग्जाम्पल क्यों दे रही हूं क्योंकि आप ना तीन नंबर में जो चीज लिखने वाली होती है ना वो नहीं लिखोगे बाकी पूरा बैकग्राउंड लिख दोगे आगे चलते हैं She didn't plan and let anyone else to read her diary unless she never found a real friend. So she could confide in more ideas in her diary than rather than people because people are not always interested in listening to what telling them. But diary conceal all your secrets. All your secrets. What does Anne write in her first essay? What does क्या एन ने लिखा था अपने पहले ऐसे पर ठीक है ओके दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट ट्रेड जो बातें करना है वो तो बच्चों का गुण होता है है क्वालिटी क्वालिटी ट्रेड शी वुड नॉट टॉकिंग अंडर कंट्रोल मतलब कि वो बातें करना ना रोक नहीं सकती अब मेरे को तो लगता है कि खाली बच्चों में ही नहीं टॉकिंग की स्टूडेंट का क्वालिटी होती है मतलब यहाँ पर टॉकिंग सिर्फ बच्चों की क्वालिटी नहीं होती टीचर की भी होती है सारा दिन तो मैं बकी जा रही हूँ आप भी कहते हो चुप कर जाओ यार चुप कर जाओ बोली जा रही हो बोली जा रही अंडर कंट्रोल क्योंकि उसकी मॉम भी बहुत ज्यादा बातें करती है शी <coughs> had इनहेरिटेड that trait फ्रॉम हर मदर तो वो जो क्वालिटी है उसने इनहेरिट करी है अपनी मॉम से एंड शी वु

हर वेरी मच और उसे ना बहुत याद आती थी और वो कभी भूलती नहीं थी अपनी आगे चलते हैं डायरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन थ्री मार्क्स कॉम्प्रीशन में भी आ सकता है ठीक है चलो ध्यान से देखिए करना क्या है

बाकी जो चैप्टर्स हैं अगर आपको लगे कि नहीं हैं तो अल्टीमेटली नहीं है वो इंटेंशनली नहीं है ठीक है पहले इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए उसके बाद कल यानी कि ट्यूजडे को आप ये देखेंगे कि बहुत मेजर हम ये कह सकते हैं मेगा रिवीजन टाइप्स आपको सारे चैप्टर्स की रिवीजन मिलेगी और थ्री मार्क्स सिक्स मार्क्स सबकी मिलेगी ठीक है तो अभी थ्री मार्क्स वाले कर रहे हैं सिक्स मार्क्स वाले हम कर चुके हैं ना चलो ओके हाउ डिड एन रिगार्ड हर डायरी एंड व्हाट नेम शी डिड शी गिव टू इट तो एन ने अपनी डायरी को कैसे रिगार्ड किया था और उसने क्या नाम रखा था अपनी डायरी का ओके okay, तो देखो एन रिगार्डेड हर डायरी एज हर लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड लंबे समय की इंतजार करती हुई फ्रेंड अपनी इमेजिनेशन लॉन्ग

ठीक है उसके बाद वाई शी फील शी कैन ट्रस्ट अ डायरी मोर देन पीपल तो उसे ऐसा ये क्यों लगा कि वो ज्यादा डायरी पे ट्रस्ट कर सकती है लोगों से ज्यादा देखो ये यही 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 क्वेश्चन मैंने छ नंबर का बताया था आपको अब यही क्वेश्चन तीन नंबर में ऐसे पूछा जाएगा और आपको क्या लिखना है

डायरी उसने डायरी क्यों लिखनी शुरू करी थी ठीक है एंड ऑल दी लविंग्रेंड बट शीड नो रियल कोई रियल फ्रेंड नहीं था चाहती थी कि कोई तो सुने उसकी बातें कोई किसी के साथ तो वो सीक्रेट को शेयर करे किसी पर तो वो भरोसा कर सके शी कु जिसकी वजह से उसने प्रॉमटेड हर कि वो डायरी को रखे

ठीक है तो आप नहीं सुनोगे है ना मैं आपको कहूँ यार तुम्हें पता है ना छोले खा लिए फिर जॉगिंग छोले भटूरे खाकर आप कहोगे यार फेंक रही है यार फेक औरत है ना 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 हम तो नहीं सुन रहे इसकी बात है ठीक है तो दे गेट बोर्ड एंड लूज पेशेंस बट इट इज नॉट सो विदर सो यू कैन ग्रो ऑन राइटिंग एंड वट यू लाइक एंड एज लॉन्े तुम लिख सकते हो जितना लंबे समय तक लिख सकते हो लिखते रहो फ्लाइट okay. से ठीक है डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द्लेन इन टू दिस रॉन्ग छ नंबर का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपका तीन नंबर में पूछा जा सकता है तो क्या लिखोगे इस पर देखो सेम जो होते हैं हैं वो थ्री मार्क्स से भी पूछे जा सकते हैं और सिक्स मार्क्स के भी पूछे जा सकते हैं तो पहला क्वेश्चन मैं वही करा रही हूँ जो छह नंबर में आपको दिखता है लेकिन तीन नंबर में सीबीएसई को टफ बनाना है तो वो पूछ सकती है तो आपको क्या करना है डिस्क्राइबर एक्सपीरियंस ही फ्लू द्लेन इन टू दिसके

अंधेरा हो गया था इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू सी एनीथिंग आउटसाइड तो तो उसका जो प्लेन था वो जम्प कर रहा रहा था, ट्विस्ट था कर में। तो so, देखा to, to round round. So, देखा कि compass और वो भी राउंड एंड राउंड एंड राउंड चल रही थी ठीक है आगे इट वॉज डेड अब जो कंपास थी वो भी डेड हो चुकी थी ऑल दी अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर डेड सारे के सारे जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी डेड हो गए थे ही ट्राइड द रेडियो बट इन वेन ही वॉज लॉसड इन वो लॉस uh, हो गया था स्ट्रॉम में सो so, उसके बाद जस्ट देन अ ब्लैक एरोप्लेन अपियर फिर एकदम से क्या हुआ ब्लैक एरोप्लेन अपियर हो गया ठीक है ही वॉज हेल्प बाय द मिस्टीरियस पायलट एंड वॉज एबल टू लैंड सेफली तो हम ये कहेंगे एक मिस्टीरियस पायलट था उसने हेल्प किया और फिर वो एबल टू लैंड सेफली दो अदर एरोप्लेन के अंदर कोई लाइट्स नहीं थी कोई विंग्स नहीं थे आप क्या बोल रहे हो देखो दादर एरोप्लेन है नो लाइट्स और ऑन एयर स्विंग। बट द नरेटर कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम बाकी जो एयरप्लेन था उसमें विंग्स नहीं थे विंग्स थे लेकिन उस पे लाइट नहीं थी तो नरेटर

अब यहां पर आपके पास मैं ब्लू पेन ले लेती हूँ ठीक है जो स्काई ब्लू पेन है उससे थ्री मार्क्स का क्वेश्चन आपको लिखना है ठीक है थ्री मार्क्स थ्री मार्क्स के लिए कैसे करोगे ठीक है अब आप यहां पर बोलोगे नरेटर टू द रिस्ट टू फ्लाई ऑन लो फ्यूल ठीक है उसके बाद अब यहां पर देखेंगे ही लॉस कॉन्टेक्ट विदरिस ड्यू टू क्लाउडी स्ट्रॉ ठीक है उसका जो प्लेन था वो जंप और ट्विस्ट कर रहा था एयर में ठीक है और उसने ट्राई किया रेडियो को भी लेकिन वो भी वेन था और हम यहाँ पर कहेंगे क्या जो जस्ट देन एक ब्लैक एरोप्लेन आ गया फाइन उसके बाद क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ द अदर एयरप्लेन फिर उसके बाद जो अदर पायलट था उसने उसे गाइड किया और उसे सेफ लैंडिंग कराई उसके बाद जो पायलट था और जो एयरप्लेन था दोनों हो गए तो कितनी लाइंस बनाई हमने देखो नरेटर दे रिस्ट तो लो फ्यूल। उसने सारा कांटेक्ट छोड़ दिया पेरिस से ड्यू टू तो क्लाउड डिस्ट्रॉ ठीक है उसका जो प्लेन था वो भी जंप और ट्विस्ट कर रहा था और उसने ट्राई किया रेडियो सिग्नल को लेकिन वो भी वेन में चला गया मतलब कि यूजलेस हो गया तो उसने देखा कि एक ब्लैक एरोप्लेन अपियर है उस पर कोई लाइट नहीं है तो यहाँ पर कंजंक्शन का यूज करके दो सेंटेंसेस को बनाइए उसने ब्लैक एरोप्लेन ने उसने गाइड किया और सेफ लैंडिंग करी। उसके बाद क्या हुआ? जो का क्वेश्चन डेवलप कर लिया दैट इज जो नरेटर का एक्सपीरियंस था जब वो फ्लू कर रहा था एयरप्लेन को ब्लैक एयरप्लेन को स्टॉमी वेदर में आगे चलते हैं तो थ्री मार्क्स का आप ऐसे बना सकते पायलट वॉज द ब्लैक एरोप्लेन एंड आज दी लॉस्ट पायलट टू फॉलो हिम द ब्लैक एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग इन फ्रंट ऑफ हिम और, okay. और साथ ही साथ क्या कर रहा था जो कट कर रहा था क्लाउड स्कोर शो कर रहा था हिम द उसके बाद ही फ्लू डाउन एंड पायलट था वो ब्लैक प्लें था उसने, आ, दी उसने कहा नरेटर को कि उसे फॉलो करे ठीक है जो ब्लैक एयरप्लेन था वो उसके आगे कर रहा था और कटिंग क्लाउड्स एंड शोइंग दी देन वो फ्लू हो गया और डिसअपियर हो गया और फॉलोइंग जो था जो पायलट था वो क्लाउड से बाहर निकल आया था वाई डिड द पायलट कॉल पैरिस कंट्रोल रूम एट द फर्स्ट टाइम तो पायलट ने पेरिस कंट्रोल रूम को क्यों बुलाया था वाई कुड ही कर पाया था ठीक है इन्फॉर्म uh, करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटीज को अबाउट हिज फ्लाइट टू इंग्लैंड ही ऑल्सो वॉन्टेड टू आस्क फॉर द प्रॉपर डायरेक्शन और ही कुड नॉट कॉन्टेक्ट टाइम वो दूसरी बार उसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पाया था क्यों बिकॉज अब यहाँ पर क्या लिख रखा है बिकॉज द रेडियो डेड ड्यू टू क्योंकि जो रेडियो था वो डेड हो गया था स्ट्रॉन्ग की वजह से ठीक है तो आपको ये पॉइंट को लिखना जरूरी है आगे चलते हैं What did the डिड decide डिसाइड टू फ्लाई थ्रू clouds? तो पायलट ने क्यों डिसाइड किया कि वो क्लाउड से ही जाएगा छह नंबर का क्वेश्चन में मैंने तीन नंबर का बता दिया लेकिन छह नंबर के क्वेश्चन में आपको ये सारे आंसर लिखने थे

describe the sky when the dacota took off from paris तो आपको क्या करना है आपको स्काई को डिस्क्राइब करना है जब द कोटा टुक ऑफ फ्रॉम पेरिस जो वो पेरिस से टेक ऑफ हुआ ठीक है वो पेरिस से टेक ऑफ हुआ क्वेश्चन समझ में आ रहा है एवरीवन ओके सॉरी यार नाक बंद है मैं क्या करूं है मैं क्या करूंगी नाक बंद है तो चलिए

आइडल थी। तो हम ये कहेंगे जब उसने ओल्ड डकोटा लिया ऑफ़ फ्रॉम पेरिस, जो स्काइ था वो तो क्लियर था। और वो ईस्ट की ओर आया तो स्टार्स भी उसको देख रहे थे। और कोई क्लाउड्स थे भी नहीं। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर क्या बोला? हाँ, तो कंडीशन वाज़ आइडल। ओके, आगे चलें, चलिए। Question, अभी हाँ पर क्या बोला गया है, story, अभी हिस, उनकी जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे कह सकते हैं ठीक है द स्टोरी इज अबाउट यंग सीगुल ये जो स्टोरी है एक यंग सीगुल के बारे में है जितने अभी भी पढ़ना है छ नंबर का क्वेश्चन को थ्री मार्क्स में हम कैसे बनाएंगे ठीक है कैसे

by flapping the wings and overcome the fear he took the plunge in the process and presented talent to fly up till not known uske baad hence the seagull proved to be the overcoming fear of the important key to success mam aapne kya kiya ye मैंने कहा बताओ क्या किया आपने सिर्फ रीड किया तो आप एक बार ही रीड कर सकते हो लो मैं साइड में हो जाती हूँ पहले एक बारी मैं यहीं खड़ी हूँ ठीक है मैं आपके कमेंट को देख रही हूँ ये, ये मानकर चलिएगा लेकिन मैं रीड कर रही हूँ ठीक है तो आप एक बार मुझे ये बताइए कि इसमें क्या होना चाहिए बोलो बोलो क्या होना चाहिए इसमें चलिए हो गया यहाँ पर चल अब हो गया आपका रीड हाँ मैम इतनी जल्दी होता नहीं लेकिन आप तीन नंबर का बताओ कैसे होगा देखो ये जो कहानी है एक यंग सीगुल के बारे में है हु इज येट टू टू लर्न फ्लाई ये लिखना है नहीं ओवरकमिंग फियर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस हाउ डज दिस थिंग स्टैंड ट्रू इन द द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट फ्लाइट तो यहां पर देखिए अल्टीमेटली ये सिक्स मार्क्स में ही आएगा सिक्स मार्क्स में आएगा या तो ये सीधा वन मार्क में आएगा या तो वन मार्क में आएगा कॉम्प्रिहेंशन वाले में ठीक है या ये थ्री नंबर का आएगा रेयरेस्ट ऑफ केस में

आगे चले चलिए द यंग सीगुल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग बाय अब यहां पर लिख रखा है जो यंग सीगुल है वो हम ये बोले चलो द यंग सीगुल है वो क्या है बहुत अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग तो यहां पर बोल रखा है जो यंग सीगुल है

He tried to fly but couldn't. He was exhausted. वो बहुत ज़्यादा exhaust हो गया था और weak हो गया था hungers को लेकर अब ये आपका एक हम ये कह सकते हैं होमवर्क क्वेश्चन है जिसे थ्री मार्क्स का आंसर बनाकर आप कॉमेंट सेक्शन में पिन करेंगे कमेंट में लिखिएगा हाउ डिड नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ द इनोग्रेशन सेम थ्री मार्क्स में पूछा गया है एक सैंपल आपके पास है स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए लेकिन थ्री मार्क्स का कैसे कमेंट सेक्शन में आएगा आप लिखेगा मैं एक-एक बच्चे का चेक करूंगी आई एम सेइंग यू ठीक है एक एक बच्चे का चेक करूंगी दैट इज माई ओके क्वेश्चन हाउ डिड दिजायर ऑफ दीडम ऑफ दीपल चेंज नैलस मंडेलाइफ क्या जो डिजायर था फ्रीडम ऑफ दीपल उसका चेंज हो गया था नेल्सन मंडेला की जिंदगी ठीक है द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ द पीपल टोटली एनिमेटेड नेल्सन मंडेला लाइफ ठीक है ही वाज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द फ्राइटनिंग यंग मैन टू अ बोल्ड वन तो उसका जो डिजायर था टर्न्ड अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू अ क्रिमिनल उसके बाद जो फैमिली लविंग हस्बैंड अब एक चेंज हो गया था मैन विदाउट होम चेंज अ लविंग अब बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये इसलिए मैं आपको समझा रही हूं जो डिजायर द फ्रीडम ऑफ द पीपल टोटली एनिमेटेड नैलसन मंडेला लाइफ मतलब टोटली चेंज्ड

और दर्द लिया ठीक है तो डिग्निटी उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ये हम ये कह सकते हैं डिजायर जो फ्रीडम ऑफ पीपल ताकि जो उनकी जिंदगी है वो डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट से जो चेंज हो जाती है उसकी जिंदगी मतलब कि चेंज हिज लाइफ ये सिक्स मार्क्स का आंसर है मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है थ्री मार्क्स में कंटिन्यू अपने आप करिएगा ठीक है थ्री मार्क्स में आप लिखिएगा ओके okay, अब एक्सप्लेन मंडेला एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीडम ए चाइल्ड जब एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में हम ये कहें कि थोड़ा टिपिकल हो तो छह नंबर का तीन नंबर में बन सकता है आपको लिमिटेड वर्ड्स में मैक्सिम आउटपुट देना है तो चलिए अब देखते हैं एज अ चाइल्ड ही वॉज फ्री

उन पर भी है और उनकी जो डिजायर थी एवरी वन शुड लीव विदिग्निटी और फ्रीडम चाहिए ये burden, उसे freedom चाहिए अगला क्वेश्चन देखते हैं तो चलो पढ़ लिया आपने चलो मैं भी पढ़ लेती हूँ फिर हाउडजन मंडेला डिफाइन मीनिंग ऑफ करेज एंड एंड

फियर को कनकर कर लेता है अगला क्वेश्चन है व्हाट मंडेला मीन मेंट व्हेन ही व्हेन ही सिंपली दी सम ऑफ ऑल दोस अफ्रीकन पैट्रियोट हु हैड गॉन बिफोर हिम अब देखो नेल्सन मंडेला वाज अ पैट्रियोट लाइक ऑल अदर पैट्रियोट ही फेल्ट द नीड ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस अब यहां पर लिख रखा है कि जैसे आप मानो कि नेल्सन मंडेला भी एक पैट्रियोट ही थे थे मानो क्या है थे है थे य थे

साथ ही साथ जो एंग्लो बोर वॉर हुआ ठीक है, व्हाइट पीपल स्टार्टेड रूलिंग ओवर द नेटिव ब्लैक स्किन साउथ अफ्रीकन। तो ये जो सिस्टम था वो रैशियल डोमिनेशन का था और दैट ब्लैक तो अगला वॉट फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट अब यहां पर लिख रखा है वॉट डिड बींग फ्री मीन टू मंडेला मंडेला जी के लिए बींग फ्री का मतलब क्या था एज अ बॉय और साथ ही साथ एज अ स्टूडेंट ठीक है ठीक है चलो एज अ बॉय बींग फ्री मेंट टू नेंटल मंडेला टू वेंडर फ्री इन द फील्ड कि वो आराम से खेतों में फील्ड्स में जा सकते हैं ठीक है फ्री फ्रीली हम ये कहीं स्विम कर सकते हैं एंड रन थ्रू दिलेज एंड एज अ स्टूडेंट टू स्टे आउट द नाइट टू रीड वट ही प्लीज एंड टू गो वे वेयर एवर ही चूज वॉज बींग ये सारी चीजें आप बोलेंगे ठीक है अब इन द इन द लेसन अ लेटर टू गॉड व्हाट मॉरल वैल्यूज द डर डिस्प्ले इन द बिहेवियर अब ये एक्टिविटी इक्वेशन है क्या है ये एक्टिविटी इक्वेशन है सिक्स मार्क्स से थ्री मार्क्स में लिखिए और कमेंट में पिन कर दीजिएगा क्योंकि मैं चेक ऐसे कैसे करूंगी ठीक है चेक तो मुझे तभी करना पड़ेगा ना जब मुझे पता चलेगा कि आपने प्रैक्टिस करी है मैं पीछे हो जाती स्क्रीनशॉट ले लो ले लो ले लो स्क्रीन शॉट ले लो ले लिया स्क्रीन शॉट चलिए आगे चले हैं? बोलो आगे चले चलिए आगे देखते हैं वॉट डेड अब देखिए क्वेश्चन थ्री मार्क्स वाला आ गया वॉट डेड लैं ओर कॉल दी ड्रॉप्स वट डिड लांचो कॉल दी रेनड्रॉप्स लांचो ने रेनड्रॉप्स को क्या कहा था हाउ डिड ही वैल्यू देम उसने कैसे उसे वैल्यू करा था मतलब की कैसे उसकी इंपोर्टेंस को बताया था ठीक है ओके लैंचो कॉल्ड दी बिग ड्रॉप एट दी टेन सेंट कॉइन्स क्या बोला था वो टेन सेंट हैं और लिटिल वन क्या है फाइव सेंट्स हैं ही कॉल्ड देम सो उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जो उसके फील्ड से वो नीडेड द रेन फॉर अ गुड हार्वेस्ट क्योंकि जो फील्ड थे उसे एक अच्छा हार्वेस्ट की जरूरत थी ठीक है दे वर गोइंग टू गिव हिम मनी अब यही जो फील्ड था वो उन्हें क्या देगा पैसे देगा मनी देगा राइट right. तो आगे देखते हैं क्वेश्चन व्हाई डिड लैंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड दी मनी तो लैंचो गुस्सा क्यों कर दिया था मतलब कि लैंचो ने ऐसा गुस्सा क्यों कर दिया था व्हेन ही काउंटेड दी मनी जब उसने पैसों को गिना तो वो क्यों गुस्सा हो गया था बताओ बताओ क्योंकि हर्षित ने पैसे नहीं दिए थे किसने नहीं दिए थे चलो देखते हैं लैंचो बिकेम एंग्री वेन ही काउंटेड दी मनी

कु नॉट मेक अक जो भगवान है वो तो गलती कर ही नहीं सकता भाई भगवान धरती पर आकर तेरे लिए पैसे देगा मेरे लिए तो काना कभी आया ही नहीं है और डिनाई हिज रिक्वेस्ट और या उसकी रिक्वेस्ट को मना करे मजा लेता मुझे हाउ डिड दोस्ट मास्टर ने कैसे हेल्प करी थीचो को ठीक है और वट डिड दोस्ट मास्टर डू टू कीप दू या पोस्ट मास्टर ने ऐसा क्या किया था जो लांचो का फेत बना रहा द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ही हिमसेल्फ ऑल्सो एट्रीब्यूटेड हिज शेयर उसने साथ ही साथ अपनी सैलरी का शेयर भी दिया था एंड सेंड द मनी ऑर्डर टू लांचो गो ऑर्ड्स नेम टू कीप हिज फेत और उसने लेटर भी लिखा था जिसपे सिर्फ और सिर्फ गॉड लिखा हुआ था ताकि जो लांचो का फेत है वो बना रहे ठीक है आगे चलते हैं वेयर वॉज लैं हाउस सिचुएटेड लैं का घर कहाँ सिचुएटेड था वाई डिड ही सिट सी द स्काई और क्यों वो बैठकर खाली आसमान को देख रहा था चलो लैं हाउस जो था वो सिचुएटेड था ऑन द द्रेस्ट ऑफ द लो हिल इन वैली साथ ही साथ जो होल डे था ही सैट स्काई वो बैठा रहा स्काई को देखता रहा क्योंकि ही न्यू क्योंकि उसे पता था जो उसकी फील्ड है उसे डाउनपोर की जरूरत है कम से कम एक शार की ही जरूरत है एंड ही वॉज वेटिंग टू सी साइंस ऑफ साइन ऑफ रेन और वो वेट कर रहा था साइन ऑफ रेन को देखने के लिए मतलब कि यू वॉज वेटिंग टू सी साइन ऑफ रेन अरे वो उसे लग रहा था कि अरे बारिश आ गई बारिश आ गई बारिश आ गई आगे क्वेश्चन देखते हैं हाउ डिड लांचो लाइफ अफेक्टेड बाय द रेन क्वेश्चन आ रहा है की जिंदगी जो जो थी वो वो रेन से कैसे हो गई? मार्क्स का का क्वेश्चन है। बहुत बहुत सिंपल। uh, हम ये ज़्यादा था। ठीक है ही लिव फैमिली वो अपनी फैमिली के साथ रहता था ऑन तो द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल वाज गोइंग टू गेट वेरी गुड क्रॉप दिस ईयर तो वो एक अच्छे क्रॉप

हम ये कहें या बैडली अफेक्ट कर गई और जिसके वजह से जो क्रॉप थे वो सारे के सारे खराब हो गए और अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि उसे बहुत ही ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा आगे चलते हैं वॉट डिड लो कंपेयर द रेनड्रॉप टू वाई लैंचो ने रेनड्रॉप्स को कंपेयर किससे किया था

How did postmaster help postmaster ने ने की help कैसे करी थी? और या yeah, हम ये कहें कि कि ऐसा क्या किया था कि जो भरोसा है है? वो Lancho का बना रहे, ठीक तो देखो दोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी फ्रॉम पोस्ट ऑफिस पहली बात जो पोस्ट मास्टर था उसने पैसे इकट्ठे करे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हिमसेल्फ आल्सो कंट्रीब्यूटेड शेयर उसने अपना भी शेयर कंट्रीब्यूट किया और उन्हें क्या भेजा एंड सेंड द मनी ऑर्डर टू लैंचो और लैंचो को भेज दिया था भगवान के नाम पर ताकि जो भगवान हम ये कहें भगवान पर जो भरोसा है लैंचो का वो बना रहे वेयर वाज लैंचो हाउ सिचुएटेड वाई डिड ही सिट सींग दिस स्का लैंचो का घर क्यों कहा सिचुएटेड था और वो क्यों बैठा था सेम क्वेश्चन ही आया हाँ चलो लैं हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन क्रेस्ट ऑफ हिल इन वैली ठीक है वो वो क्या था, था था, था बैठा हुआ था, स्काई को देख रहा था, क्योंकि उसे उसे पता था, जो उसकी है, है, कम कम से कम या शार की जरूरत और वो रेन को देखना चाह रहा था क्वेश्चन वाई वुड यू नॉट अग्री विद लांचो कॉलिंग अब ये देखो तीन नंबर का क्वेश्चन है ठीक है क्या है ये थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है ध्यान तो से why would you not agree? क्यों आप अग्री नहीं होंगे? क्या With the calling them a bunch of crooks. कि ने क्या बोल रहा था बंच ऑफ क्रुक बोल रहा था मतलब कि बदमाशों का दल लंचो वॉज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड इन कॉलिंग बिकॉज क्योंकि they helped them क्योंकि यह हेल्प करते हैं उनको कलेक्ट मनी करने के लिए साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने के लिए लांचो देम पार्टेड विद सम मनी फॉर चैरिटी विच द बंच ऑफ रुक्स वुड डू अगला क्वेश्चन वाई वॉज लांचो एंग्री वेन ही रिसीव दी लेटर लांचो क्यों गुस्सा था जब उसने लेटर रिसीव किया था ठीक है

Explain the quality of the post office employees. आपको पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज की क्वालिटीज के बारे में बताना है ठीक है द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय रिप्रेजेंट दीपल हु बिलीव्ड इन हेल्पिंग अदर्स तो ये उनकी क्वालिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो उन लोगों में से है जो लोगों की मदद करना चाहते हैं दे वर काइंड एंड हेल्पफुल वो बहुत ज्यादा काइंड भी थे और साथ ही साथ हेल्पफुल भी थे अदर वो एक दूसरे से कॉपरेट भी करते थे साथ ही साथ कॉन्ट्रीब्यूट करते थे अपना बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटी जस्ट टू ताकि वो लैं का भरोसा बनाए रखें ठीक है और कैपेबिलिटी टू जस्ट कीप इन गॉड अलाइव। उसके बाद दे है अब हमारा आ गया सोमनेट बनारस का क्वेश्चन ठीक है सोमनेट बनारस में हाउ डिड बुद्धा टीच कीसा गौतमी द ट्रुथ ऑफ लाइफ बुद्धा जी ने कैसे कीसा गौतमी को जिंदगी की सच्चाई के बारे में समझाया था ठीक है अब देखो कीसा गौतमी वो डिवास्टेड बाय द डेथ अब वो बहुत ज्यादा डिवाच हो गई थी क्योंकि उसका केवल एक ही बेटा था एंड वंडर डोर टू डोर सीकिंग हेल्प समवन डायरेक्टेड हर किसी ने उसे बोला कि साके मुनि बुद्धा के पास जाओ जो एक और उन्होंने वहां पर जाकर उन्हें कहा कि एक हैंडफुल मस्टर्ड सीड लेकर आ जहां पर किसी की भी डेथ ना हुई हो तो उस दिस रेज द होप इन द कीसा गौतमी मुनि वाज द सीड्स तो गौतमी ने सर्च किया और उसे रियालाइज हुआ बिटर ट्रुथ जो था सोरो पार्सल पीस ओनली बाय एक्सेप्टेंस तो ये थ्री मार्क्स में आपको अल्टीमेटली ये सारी चीजें नहीं लिखनी है यू जस्ट

किसा गौतमी घर से घर गई जब उसने बात करी बुद्धा से ठीक है वॉट शी आज फॉर दिस सेकेंड टाइम शी गेट वाई नॉट तो उसने क्या सेकेंड टाइम मांगा था और क्या उसे मिला था वो चीज तो गौतमी गौत फ्रॉम हाउस टू हाउस टू तो ब्रिंग सम मस्टर्ड सीड वो घर घर से एक घर से दूसरे घर गई मस्टर्ड सीड्स को मांगने के लिए no पे किसी की मृत्यु नहीं हुई है कोई भी मृत्यु नहीं हुई है इट मेड हर रियलाइज जिसकी वजह से उसे रियलाइज हुआ द डेथ इज इनविटेबल एंड नो वन कैन डिनाई द नेचर साइकिल और कोई भी नेचर के एकल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता अगला क्वेश्चन व्हाई वाज कीसा गौतमी सैड व्हाट डिड शी डू इन हर आर ऑफ ग्रीफ कीता गौतमी मायूस क्यों थी और उसने आर ऑफ ग्रीफ में क्या-क्या किया क्या था ठीक है तो देखो कीता गौतमी सैड थी क्योंकि Her only son had died, क्योंकि उसका केवल और केवल जो एक बेटा था वो मर गया था ठीक है इन आर ऑफ ग्रीफ शी वॉन्टेड फ्रॉम हाउस टू हाउस इन सर्च ऑफ मेडिसन टू कॉर हिम उसके बाद शी है

अब ये जो दो क्वेश्चन है ये आप रीड करिए मैं फटाफट से आपको स्क्रीन दे देती हूँ होमवर्क है इसे रीड करना क्योंकि भाई जो समझ में ना आए वो जरूर बता देना अब हमारा अगला आ गया ठीक है समन एट बनारस में से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को ना आपको होमवर्क देना नहीं चाहिए क्योंकि आप कितना रीड कर लोगे मैं ही करा देती हूँ हु वॉज गौतम बुद्ध चलो रहने दो ये होमवर्क रहने दो मैं ही करा रही हूँ ठीक है चलिए वॉट वॉज हु गौतम बुद्ध

अब मैडम राइट दी बस देखिए प्रपोजल चैप्टर में से जनरली छह नंबर का क्वेश्चन आएगा ये वन मार्क का उसको हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे अदरवाइज फर्स्ट फ्लाइट के थ्री मार्क्स के क्वेश्चन डन ठीक है हाउ डिड वली रिएक्ट व्हेन शी सॉ द डेड काउ बाय द रोड साइड वली ने कैसे रिएक्ट किया जब उसने डेड काउ देखी बाय द रोड साइड ठीक है व्हेन वली सॉ द डेड काउ बाय द रोड साइड शी बिकेम वेरी एंग्री शी बिकेम वेरी सैड वो बहुत ज्यादा सैड

आप हाँ ट्रीट नहीं करो तो इट टू इन अ गुड स्पिरिट और उसने बहुत ही अच्छे तरीके से उसका मैसेज लिया और जॉकिंगली एड्रेस किया उसे मैडम तो उसका जो बिहेवियर था थर्स ये रिफ्लेक्ट करता है उसकी नेचर को जो बहुत ही ज्यादा हम ये कह सकते हैं विनम्र और काइंडनेस को उसकी शो करता है ठीक है जी अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डिटेल्स डिड वली

वो बहुत ही ज्यादा प्लानर थी तो हम बोलेंगे वली वॉज कईन ऑब्जर्वर पहली बात वली कईन ऑब्जर्वर भी थी साथ ही साथ मेटिकुलर भी ठीक है उसका जो डिजायर था एक्सपीरियंस की वो बस राइड करे वो रिलाइज किया प्लानिंग के साथ और शी हैड कलेक्टेड द यूजफुल इंफॉर्मेशन बाय ऑब्जर्विंग एंड प्लानिंग एंड मेकिंग डिस्क्रीट इंक्वायरीज उसने करी अबाउट द बस टाइम ऑफ द जर्नी एज वेल एज द फेयर तो शी वाज फोकस्ड वो बहुत वॉज फोकस भी थी और सेव्ड एवरी पेनी टू फाइनेंस हर ट्रिप एंड फाइनली इट बाय एफ एग्जीक्यूशन ऑफ हर प्लान्स तो इसी के साथ हमारे फर्स्ट फ्लाइट के थ्री मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डन में ही और सारे चैप्टर के और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो और एक्टिविटी क्वेश्चन जरूर करिएगा और कॉमेंट में जरूर बताइएगा चलिए थैंक यू सो मच एवरी ध्यान रखिएगा अपना ब टेक केयर